और भगवान बुद्ध का धर्म नीचे आ गया। लेकिन आज जहां जहां भी खुदाई हो रही है, कहीं पर भी खोलो, लोग ये कहते हैं जी इस भारत के अंदर चार तीर्थ स्थान है हिंदुओं के। अरे वो हिंदुओं के नहीं, वो बुद्धिस्टों के। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या का इतिहास पढ़ लेना, ना तो वहां राम मंदिर था और ना वहां मस्जिद थी। अरे वो तो बौद्ध भिक्षु बावरी, हमारे बौद्ध भिक्षु थे बावरी जिनका नाम था, उनका परिनिर्वाण हो गया तो उनके उसमें वो बुद्ध विहार बनाया गया था बावरी भिक्षु के नाम पे। लेकिन बाद में इस भारत के अंदर ऐसा युद्ध छिड़ा कि मुसलमानों ने अपना कह दिया कि ये तो बावरी मस्जिद है। लेकिन हकीकत ये है कि पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी नजर डालो, एक भी मस्जिद किसी आदमी के नाम पर नहीं मिलेगी। तो फिर वही कैसे मिल गई पूरे संसार के अंदर? तो फिर वही कैसे मिल गई? और जब वहां खुदाई हुई तो फिर बौद्ध धर्म के अवशेष वहां क्यों मिले? डोंडिया खेड़ा में खुदाई हुई, जो एक साधु ने घोषणा की कि यहां सोना निकलेगा, सोना वाला तो कुछ ना निकला, लेकिन भगवान बुद्ध के अवशेष निकलने लगे, तो इन मनुवादियों ने वो खुदाई बंद करा दी। और जितने भी ये बड़े तीर्थ स्थान है वो सारे के सारे बड़े बड़े बुद्ध विहार है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अपना धर्म चलाया, वो खुद भी देखते होंगे कि भगवान बुद्ध शांत वातावरण में लोगों को समझाया करते थे। तो इसलिए जहां पहाड़ हैं, जहां पेड़ पौधे हैं, वहां बड़े बड़े बुद्ध विहार बनाए गए। लोगों ने भूमि दी, लोगों ने पैसा दिया और बड़े बड़े बुद्ध विहारों की स्थापना की गई। भारत के कोने कोने से लोग चलकर बुद्ध विहारों पर जाते थे, जिन्हें आज केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर बना दिया गया। लेकिन वो केदारनाथ और बद्रीनाथ नहीं है, अरे वे तो बुद्धिस्टों की विरासत है। इसलिए जब जब वो अपने, और आज इन्होंने एक नया और चमत्कार कर डाला है कि हमारे भगवान बुद्ध के गले में सांप लटका दिया, टीका लगा दिया शिव जी की तरह से। मैंने कहा आप दो चार दिन में हमारे भगवान बुद्ध को ये खाल भी पहना देंगे, हाथ में डमरू भी दे देंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो तुम इसका विरोध करो कि भगवान बुद्ध के ना तो माथे पर टीका होता था, ना गले में सांप होता था। अरे सांप से क्या लेना देना भगवान बुद्ध का? सांप तो भंगेड़ी शिव जी के गले में होता था, जो नशेड़ी था और सांप से कटवा कर उसका नशा लिया करता था। भगवान बुद्ध ने कभी भी ऐसी चीजों का सेवन नहीं किया, वो तो उनसे दूर रहे और लोगों को भी दूर रहने के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसलिए अपने घरों के अंदर भगवान बुद्ध को लाओ, अपने घरों के अंदर बाबा साहेब को लाओ, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जब ये जानेंगे कि बाबा साहेब तो बाहर जूते चप्पलों में बैठ कर पढ़ते थे, लेकिन माँ बाबा साहेब के कारण आज मुझे कोट और टाई पहनकर स्कूल में जाने के लिए मिलता है। तो ये सोचेंगे कि जब बाबा साहेब इतना पढ़ पाए तो मैं भी बाबा साहेब जैसा ना बन पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहेब मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा, दो चार डिग्रियां लेने की कोशिश करूंगा और समाज में काम करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी बेटी ऐसा कह देगी तो आपका सर ऊंचा होगा या नीचा होगा? ऊंचा। और दूसरी तरफ ये भंगेड़ी की फोटो लटकी हुई है, अगर आपके बेटे ने ये कह दिया कि शिव जी तो भांग पीता था, अफीम खाता था और डमरू बजाता था, सांप से कटवाया करता था, हे माँ अब तो नई नई चीजें और आ गई हैं, मैं सांप बिच्छू से भी कटवाऊंगा, भांग भी पीऊंगा, ड्रग्स भी लूंगा और जितनी भी नशे की चीजें हैं वो सारी की सारी लूंगा, तो आपका सर शर्म से नीचा होगा या ऊंचा होगा? बोलो। तो हमारे घरों के अंदर ऐसे देवता होने चाहिए जो हमारा सर ऊंचा करे, या हमारे घरों के अंदर ऐसे देवता होने चाहिए जो हमारा सर शर्म से नीचा करें? कैसे होने चाहिए? तो आज से करवा चौथ बंद, आज से अहोई बंद, आज से नवरात्रे बंद, यानी के हिंदू धर्म के सभी त्योहार करोगी? कोई बात नहीं, भविष्य बर्बाद।
से महिलाओं से लेकर बुजुर्ग बच्चों सभी तक पहुंचाएंगे और फूल की सुगंध बाबा साहेब के जो विचार हैं उनकी सुगंध हम जन जन तक पहुंचाएंगे कि इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया लेकिन हमारे जीवन में खुशियां भर दी, हमारे जीवन को महका दिया। और अगरबत्ती भी उसी बात का प्रतीक है, जब जब हम इनके आगे जलाते हैं तो हम इन्हें खुश नहीं करते या हम इनसे कुछ नहीं मानते, हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपने अपना जीवन मोमबत्ती की तरह से समर्पित कर दिया है, फूल की तरह से समर्पित कर दिया है, हे बाबा साहेब, हे भगवान बुद्ध, हम आपके विचारों की सुगंध को भारत के कोने कोने तक ले जाएंगे जब तक हमारी काम करते चले जाएंगे। और यही बच्चों का भी मत गाना, अगर गाना है तो नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, और संघं शरणं गच्छामि। अपने घरों में परिवर्तन लाओ। मेरे घर में माता के मानने वाली आई, साहब से कहा कि बाबा साहेब आपका 1.5 घंटे का भाषण है, सारा भाषण ऐसे ही बोलना, 1.5 घंटे के बदले आप चाहे 2 घंटे बोलना, लेकिन बस उसमें से 1 लाइन हटा देना। सारा भाषण अनुवाद के खिलाफ था, पढ़ लेना लाहौर का भाषण बाबा साहेब का। बाबा साहेब की बुक है जो 21 वॉल्यूम का सेट है उसी के अंदर है, पढ़ लेना। सारा का सारा भाषण मनुवाद के खिलाफ था, लेकिन फिर भी संतराम पीए जी ने कह दिया कि आप सारा भाषण बोलना लेकिन उसमें से 1 लाइन हटा देना। तो बाबा साहेब तो शेर थे, शेर भी नहीं बबर शेर थे बाबा साहेब, शेरों के भी बाप थे बाबा साहेब। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि ए संतराम पीए, चाहे तुम मुझे 2 घंटे बुलाओ और चाहे 1.5 घंटे बुलाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो रही खास बात वो सुनो कि तुम उससे 1 लाइन हटाने की बात करते हो, उसमें से मैं 1 कोमा भी इधर से उधर नहीं करूंगा, चाहे मेरा भाषण हो या नहीं हो। और वो लाइन कौन सी थी वो जान लो, जिसके भी दिमाग में ये लाइन आ गई वो तो बस बाबा साहेब के मिशन में समर्पित है, लेकिन जो इस लाइन को ऐसे ही सुन के छोड़ जाएंगे तो भाई मैं तुम्हें क्या कहूँ। अब इतने सारे मुझसे बड़े बड़े बैठे हैं, नहीं तो मैं कहीं कहीं कह भी देती हूँ, या नहीं कहूंगी। वो लाइन थी, ए मेरे समाज के नौजवानों, बस इसी लाइन को याद कर लेना, चाहे मैं 2 घंटे बोलूं चाहे 3 घंटे बाकी भूल जाना, बस ये लाइन याद रखना कि ए मेरे समाज के नौजवानों, नौजवान में समाज आता है चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जिस दिन तुम्हारा सम्मान या स्वाभिमान जग जाए उस दिन इन हिंदू धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना। ये बाबा जी सारे ग्रंथों का निचोड़ बाबा साहेब ने 1 लाइन में दे दिया और वो सम्मेलन रद्द करना पड़ा। वो सम्मेलन नहीं हुआ लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। बाबा साहेब ने कहा कि संतराम पिए तेरे जैसे तो न जाने कितने आए और कितने पैदा होते चले जाएंगे, लेकिन ये शेर की औरत बबर शेर है। और बाबा साहेब ने एक बुक छाप दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिन्होंने पढ़ी है उन्हें पता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सम्मेलन नहीं हुआ लेकिन बाबा साहेब ने वो बुक छाप दी, जाति पाति का बीज नाश। और उस बुक को पहले भारत सरकार ने छापा तो ये राखी रावण तो बोलेगी या नहीं बोलेगी, बोलेगी। इसलिए चाहे मंच छोटा हो और चाहे मंच बड़ा हो, चाहे मुझसे कोई ये कहे कि थोड़ा नरम नरम बोलना, क्यों बोले तेरे बाप का कुछ खा रहे। जिसका खा रहे हैं उसी की वाणी बोलेंगे, कोई बुलाए या ना बुलाए, चाहे मेरा प्रोग्राम साल में 1 बार लगे मुझे परवाह नहीं, चाहे मुझे बिना प्रोग्राम के लोगों को समझाना पड़े कोई परवाह नहीं, लेकिन वाणी बाबा साहेब की बोली जाएगी, विचार बाबा साहेब के ही बोले जाएंगे। क्योंकि मैंने अगर 2 आदमियों को भी जगा दिया, आज यहां से 2 महिलाएं या 2 पुरुष हिंदू धर्म को आग लगाएंगे, लगाओगे भाई? भाई कितनी महिलाएं हिंदू धर्म को छोड़ेंगी, हाथ उठा करो।
मैडम मेरिया रामा स्वामी।
अरे वो भी तो एक इंसान ही है, आपको डर लगे जा रहा है, कहीं हमने इनकी एक दिन घंटी ना बजाई तो ये पता नहीं हमारे साथ क्या करते। अरे उन्होंने अपने साथ अच्छा नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा करेंगे। खुद आराम वन में भटकता रहा और जब कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो सबरी के झूठे पैर खा गया। और ये कहते हैं सच्चाई सुनो, मैंने उसी बुक के अंदर पढ़ा है सच्ची रामायण, उसी बुक के अंदर मैंने पढ़ा है कि सबरी कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, सबरी सबरी वन में रहने वाली एक सुंदर महिला थी। और इन्होंने रामायण में दिखा दिया है कि सबरी बूढ़ी औरत थी और राम ने उसके झूठे पैर खाए, लेकिन हकीकत यह है कि सबरी एक सुंदर औरत थी। अब पैर कैसे खाए होंगे खुद अंदाजा लगा, झूठे खाए अंदाजा लगाओ। देखो मेरे भाई ने जवाब दे दिया है, भाई उनकी बात रिकॉर्ड करो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन सच्ची रामायण के अंदर पढ़ लेना। सीता खो गए तो क्या कह रहे हैं, सीता जी को रावण उठाकर ले जाते, कहते रावण उठाकर ले गया सीता जनक कुमारी को, तो बेचारा राम में तो इतनी भी अकल ना कि किसी इंसान से ही पूछ लेता कि मेरी सीता को कौन लेके गया। सीता जी को रावण ले गए और राम बेचारा दहाड़े मार मार कर रो रहा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी तुमने सीता मृग नैनी। मैंने नहीं कहा, लिखा वो राम कह रहा है पेड़ों से लिपट लिपट कर रो रहा है, पशुओं से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है, फूलों से पूछ रहा है, तुमने मेरी सीते कहीं देखी। अरे अकल के अंधे, कोई आदमी जा रहा था, कोई महिला जा रही थी तो उसी से पूछ लेता कि तुमने मेरी सीता को इधर इधर कहीं देखा है। अब जिस राम में इतनी भी अकल नहीं कि वो पशु से पूछे, पेड़ों से पूछे, पक्षियों से पूछे, तो क्या वो भगवान बन सकता है? सोचो। और बेचारी महिलाएं तो सुबह सुबह उठ के राम राम जी राम राम कोई टाल नहीं सकता, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी। जब यहाँ कोई बुद्धिस्ट परिवार में मौत होती है उसके पीछे जो लोग कहते चलते हैं राम राम सत्य, वो कोई नहीं बोलेगा। या तो सीधे बोलो कि मौत अटल सत्य है जिसका कोई तोड़ नहीं है, और ये नहीं बोलते तो बुद्धं शरणं गच्छामि बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, यही बोलो। चाहे आप दो लोग हो तो दो लोग ही बोलते चले जाओ, लेकिन ये मत कहना कि राम राम सत्य है। क्यों है राम सत्य? राम तो झूठा है, राम तो पाखंडी है, राम परे भी है। अरे जिस राम ने अपनी पत्नी को जिसके पेट में बच्चा है उसे ही घर से बाहर निकाल दिया, वो तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। भगवान तो दूर की बात है, लेकिन तुम उसी राम की जय जयकार करते हो। लेकिन हकीकत यह है कि पुष्यमित्र सुंग को राम बनाया गया और बृहदत्त मौर्य को रावण बनाया गया। पुष्यमित्र सुंग जो पूरे भारत में बृहदत्त मौर्य का राज था, इसलिए पूरे भारत में राम राम कही जाने लगी। फिर दशरथ के बेटे